नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आइए आप सबका कीर्तिमान अकेडमी पर स्वागत है। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए आर ओ यूपी एस आई वर्द सीरीज के अंतर्गत आज का टॉपिक क्या है आपके हिंदी भाषा में प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कार। तो आइए इसकी पीवाईक्यू को देखते हैं। इसके पीवाईक्यू में पहले देख लेते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार और व्यास सम्मान। दोनों हिंदी के क्षेत्र में व्यास सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार जितने मिले हैं 2017 से लेकर 2023 तक के देख लेते हैं दोनों में, और पीछे में जितने मिले हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार व्यास सम्मान जितने भी हिंदी के क्षेत्र में सम्मान मिले हैं सारा का क्वेश्चन आंसर मैं पीवाईक्यू सहित कराएंगी। तो पहले इसको देख लेते हैं जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 से 2023 तक मिला हुआ है, किसको मिला, किस रचना पे मिला है, ये सब मैं बता डिस्कस पहले कर लेती हूँ, बाद में पीवाईक्यू कराती हूँ। तो चलिए देखते हैं 2017 का विश्व मिथुन सरित सागर साहित्यिक समीक्षा है, किसकी रचना है, रमेश कुंतल मेघ को। तो यह साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है रमेश कुंतल मेघ को 2017 का। और 2018 का किसको मिला है, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, पोस्ट बॉक्स नंबर और 203 नाला सोपरा, ये उपन्यास है किसका है, चित्रा मुदगल का। इनको 2018 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 2019 का है छीलते हुए अपने को, यह कविता है, कविता विधा की रचना है, रचना किसकी है, नंदकिशोर आचार्य की। इनको 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, इनकी छीलते हुए अपनों को, इस कविता पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। 2020 का है टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014, यह कविता विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है, अनामिका। इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार 2020 का मिला है अनामिका को। 2023 का देखते हैं सम्राट अशोक नाटक है, किसका है, दया प्रकाश सिन्हा का। नाटक विधा की रचना है सम्राट अशोक और रचनाकार कौन है, दया प्रकाश सिन्हा। इनको मिला है 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, दया प्रकाश सिन्हा को, सम्राट अशोक रचना पर, ये नाटक विधा की रचना है। 2022 का तुमड़ी के शब्द, यह कविता विधा की रचना है, तुमड़ी के शब्द, इसके रचनाकार कौन है, बद्री नारायण। इनको मिला है 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2023 का मुझे पहचानो, यह उपन्यास विधा की रचना है और इस रचनाकार इसके हैं संजीव, तो संजीव को मिला है मुझे पहचानो उपन्यास पर 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ये हो गए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 से लेकर 2023 तक के। अब आइए देखते हैं व्यास सम्मान, हिंदी के क्षेत्र में व्यास सम्मान किसको 2017 से लेकर 2023 तक का किसको किसको मिला, किस रचना पर। तो व्यास सम्मान है 2017 का दुखम सुखम, यह उपन्यास है, क्या है, उपन्यास, इसके रचनाकार कौन, ममता कालिया। इन ममता कालिया को 2017 का व्यास सम्मान मिला है, इनकी रचना है दुखम सुखम। 2018 का है जितने लोग उतने प्रेम, एक काव्य संग्रह है, किसकी है, किसका काव्य संग्रह, लीलाधर जगूड़ी का। इनको 2018 का व्यास सम्मान मिला है, इनकी रचना है जितने लोग उतने प्रेम। 2019 का देखते हैं कागज की नाव, यह उपन्यास विधा की रचना है कागज की नाव, और इसके रचनाकार को नासिरा शर्मा है, नासिरा शर्मा को व्यास सम्मान मिला है 2019 का कागज की नाव उपन्यास पर। 2020 का है पाटल पुत्र की साम्राज्ञी, यह उपन्यास विधा की रचना है पाटल पुत्र की साम्राज्ञी, यह उपन्यास विधा की रचना, इसके रचनाकार कौन, शरद पगारे, यानी शरद पगारे को 2020 का व्यास सम्मान मिला है, उनकी रचना क्या है, पाटल पुत्र की साम्राज्ञी, ये उपन्यास विधा की रचना है। 2021 का है महाबली, ये नाटक विधा की रचना है, महाबली नाटक विधा की रचना है, रचनाकार इसके हैं असगर वजाहत, तो इनको असगर वजाहत को व्यास सम्मान मिला है 2021 का, इनकी रचना है महाबली नाटक है। आइए 2022 का देखते हैं पागल खाना, पागल खाना रचना है उपन्यास विधा की रचना है, इसके रचनाकार कौन है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी की रचना है पागल खाना, उपन्यास विधा की रचना है, इस पर इनको व्यास सम्मान 2022 का मिला है। 2023 का अभी जल्दी जल्दी हुआ है, तो 2023 का है यादें, यह संस्मरण विधा की रचना है और रचनाकार कौन है, पुष्पा भारती,
इनको यह व्यास सम्मान दिया गया 2023 का। तो यह हो गया साहित्य अकादमी पुरस्कार और व्यास सम्मान 2017 से लेकर 2023 तक का दोनों। अब आइए 2016 तक के, पीछे जब से मिले हैं तब से 2016 तक का मैं सारा पीवाईक्यू लेके आई हूँ और सारा मैं कराने चल रही हूँ। चलिए शुरू करती हूँ पीवाईक्यू। ये रहा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृत पर मिला है? यानी यह ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृत पर मिला है? दीपशिखा, निर्जा, यामा या फिर श्रृंखला की कड़ियां। तो महादेवी वर्मा को उनकी कौन कृत है? यामा पर। यामा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो यह कब दिया गया है? यह सन 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको यामा रचना पर दिया गया। इनको आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं, बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? भग्नदूत, इत्यलम, हरे घास पर क्षणभर या फिर कितनी नावों में कितनी बार। तो अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो उनकी रचना कितनी नावों में कितनी बार, यानी विकल्प डी आंसर उसके हिसाब से सही है। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार इस रचना पर मिला है। ये कब मिला है? 1978 में दिया गया है, 1978 में। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। 1978 अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कृत पंत जी की कृति कौन सी है? यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार पंत जी की किस रचना पर मिला है? पल्लव, चिदंबरा, ग्राम्या या फिर ग्रंथ। तो पंत जी की रचना है जिसपे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वह है चिदंबरा। क्या है? चिदंबरा, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। इनको 1968 में चिदंबरा कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी के लिए अब तक प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने हैं? 8, 10, 11, 8, 10, 9 या फिर 11। तो कितने हैं हिंदी के लिए अब तक? अब तक यानी जब प्रश्न बना है तब तक तो 10 मिला था, लेकिन अब प्रेजेंट में है 11 है। अगर प्रश्न पूछता है कि अब तक कितने मिले हैं प्रश्न के हिसाब से, तो वहां आप लोग 11 लगाइएगा, क्योंकि जब प्रश्न ये पूछा गया है तब 10 ही मिले थे, इसलिए इसके हिसाब से विकल्प सी आंसर सही है। लेकिन प्रेजेंट में 11 ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं। 11 कितने इस समय? 11 ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं। विकल्प सी आंसर इसका सही होगा, 10। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है, यानी इन चारों विकल्प में से कौन सा, किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? नरेश मेहता, कुंवर नारायण, कमलेश्वर या फिर दिनकर। तो कौन से, किसको इसमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो वो है कमलेश्वर, यानी कमलेश्वर को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, बाकी तीनों लोगों को मिला है, इसलिए विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? भगवती चरण वर्मा को, अमृत राय को, अज्ञेय को या फिर माखन लाल चतुर्वेदी को। 1955 में पूछा गया है, जिसमें माखन लाल चतुर्वेदी को यह पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1955 में। उनकी रचना कौन है? हिम तरिंगड़ी पर मिला उनको, हिम तरिंगड़ी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कल्याणी को, त्यागपत्र, सुनीता या फिर परख। तो जैनेन्द्र कुमार की रचना हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित की गई वो है कौन? परख, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा, परख। यह 1929 में उपन्यास को, 1929 में हिंदुस्तानी, 1929 में पुरस्कार इनको दिया गया, परख रचना पर उपन्यास है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है? कागज की नाव, अक्षय वट, अजनबी जंजीर या फिर पारजा। तो 2016 का नासिरा शर्मा को इनका ये उपन्यास है, इस पर पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो रचना उनकी है पारिजात,
यानी विकल्प डी आंसर इसका सही है। 2016 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है पारिजात रचना पर नासिरा शर्मा को। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ किस भाषा में रचित है? संस्कृत, प्राकृत, हिंदी या फिर मैथिली? तो नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वह भाषा मतलब किस भाषा में वह रचना है? तो वह मैथिली भाषा में। मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्न गाछ, ये पुरस्कार 1968 में दिया गया है नागार्जुन को मैथिली भाषा में, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। महादेवी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? तो अभी मैं पहला ही क्वेश्चन था ये, तो यामा पुरस्कार मिला है उनको, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है यामा रचना पर, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। ये उनका 18वां पुरस्कार था ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, आग की हंसी उपन्यास के लिए किस साहित्यकार को सन 2016 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2016 में राजेंद्र यादव, केदारनाथ अग्रवाल, रामदरस मिश्र या फिर रुस्तम सिंह? तो किसको आग की हंसी जो उपन्यास है इस इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2016 का, ये रचनाकार कौन है? तो ये आपके हैं रामदरस मिश्र। कौन है? रामदरस मिश्र। आग की हंसी, आग की हंसी रामदरस मिश्र का काव्य है जिसके लिए उन्हें 2015 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इसलिए ये प्रश्न थोड़ा तो त्रुटिपूर्ण है। इसमें होगा इनको 15 का मिला, 16 का मिला नासिरा शर्मा को पारिजात उपन्यास को। अभी मैं पीछे भी उसको रिपीट कराई हूँ, तो नासिरा शर्मा है 2016 का, अगर 15 का पूछे तो रामदरस मिश्र है 2015 इनको 2015 का मिला है, रामदरस मिश्र को 2015 का मिला है और 2016 का मिला किसको? नासिरा शर्मा। कोई बात ध्यान रखिएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। श्री लाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया है? आदमी, सीमाएं टूटती हैं, अज्ञातवास या फिर विश्रामपुर का संत? तो श्री लाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान मिला? तो उनकी कृति है विश्रामपुर का संत, यानी विकल्प डी आंसर उसके हिसाब से सही होगा। मिला कब है? तो यह है 1999 में व्यास सम्मान इनको प्राप्त हुआ है विश्रामपुर का संत इनकी इस रचना पर। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अज्ञेय जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? महावृक्ष के नीचे, बावरा अहेरी, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ? तो अज्ञेय जी को मिला है कितनी नावों में कितनी बार, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। 1978 में मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ? साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब से हुआ? तो इसमें तो विकल्प जो है गलत पूछ लिए गए थे, इसलिए चारों विकल्प गलत है। इनको ये साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रारंभ कब से हुआ? तो 12 मार्च 1954 को। कब से प्रारंभ हुआ? 12 मार्च 1954 चौवन से शुरू हुआ है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। 12 मार्च 1954। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी अकादमी का सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया? तुलसीदास जी, श्री विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर रामचंद्र शुक्ल? सलाका पुरस्कार सबसे पहले डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया, जो 1986 और 87 की में सर्वप्रथम हिंदी अकादमी का सलाका पुरस्कार प्रदान किया गया। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृत रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया?
है साहित्य अकादमी, कथा सम्मान, राजभाषा सम्मान या फिर शरद जोशी सम्मान। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति है रेहन पर रघु के लिए उनको सम्मान दिया गया है साहित्य अकादमी, यानी विकल्प ए आंसर इसको इसका सही होगा। इनको कब दिया गया है रेहन पर रघु के लिए पुरस्कार, 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। उनका ये रचना को किस विधा की है, तो उपन्यास विधा की रचना है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रेम में भगवान व्यास सम्मान, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार, सरस्वती सम्मान या फिर देव पुरस्कार। तो प्रेम में भगवान इस रचना के लिए जैनेन्द्र को उनको पुरस्कार भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार मिला है, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? सुमित्रा नंदन पंत को, गोविंद मिश्र को, केदारनाथ को या फिर रामविलास शर्मा को। तो लोकायतन कृति है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया है ये सुमित्रा नंदन पंत को, यानी विकल्प ई आंसर इसका सही होगा, सुमित्रा नंदन पंत। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार एम टी वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1995 में साहित्य एम टी वासुदेव किस भाषा के लिए, मलयालम, तमिल, उर्दू या फिर कन्नड़? तो इनको मलयालम भाषा, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा, मलयालम भाषा के लिए 1995 में साहित्यकार एम टी वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। सन 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड और सन 2003 में सरोजनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली महिला लेखिका कौन सी है? मनीषा कुलश्रेष्ठ, नमिता सिंह, उषा प्रियंवदा या फिर मैत्री पुष्पा। यह 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित किया गया हो है सरोजनी नायडू पुरस्कार जो मिला है वह लेखिका मैत्री पुष्पा, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा, मैत्री पुष्पा। आइए अगला प्रश्न है। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? भाषा संस्कृति के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में या फिर हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। तो हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान ये पुरस्कार जो दिया जाता है हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? यामा, चिदंबरा, बुनी हुई रस्सी या फिर उर्वशी। इनमें से जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान नहीं मिला है वो है बुनी हुई रस्सी, बाकी तीनों को मिला है, इसलिए विकल्प सी आंसर इसका सही होगा, बुनी हुई रस्सी इस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कृति है? धूमिल की, श्रीलाल शुक्ल की, भीष्म साहनी की या फिर यशपाल की। तो कल सुनना मुझे यह रचना किसकी है? धूमिल की है, यानी कौन है, साहित्यकार है, विख्यात साहित्यकार सुदामा पांडे उर्फ धूमिल, इनको धूमिल नाम से जाना पूरा जाना ज्यादा जाना जाता है, इनका पूरा नाम है सुदामा पांडे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान या फिर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो यह इनको मिला है कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को यह साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला है, इनको हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा, सुमित्रा नंदन पंत जी को 1960 ईस्वी में कला और बूढ़ा चांद कृति पर। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, बंकिम चंद्र चटर्जी
या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले इन चारों विकल्प में से किनको मिला है ये बताना, तो वही वो है महादेवी वर्मा, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही है। 1982 में महादेव यामा पर मिला है, यामा उनकी रचना है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला है, राम कुमार वर्मा, जैनेन्द्र, अज्ञे या फिर महादेवी वर्मा? भारत भारती पुरस्कार किसको सबसे पहले मिला है, तो महादेवी वर्मा को मिला है, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा, महादेवी वर्मा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? 2013 में धूल पौधों पर गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? देव पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान या फिर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार? 2013 में धूल पौधों पर गोविंद मिश्र को उनको मिला है सरस्वती सम्मान, इनको सरस्वती सम्मान से पुरस्कृत किया गया है, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा, सरस्वती सम्मान। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है, यानी 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार अमृत राय को मिला है, तो किस कृति पर मिला है वो आपको बताना, निराला की साहित्य साधना, प्रेमचंद, कलम का सिपाही, मुक्तिबोध या फिर राग दरबारी? तो उनकी रचना अमृत राय की रचना है प्रेमचंद, कलम का सिपाही, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। 1963 ईस्वी में अमृत राय को उनकी कृत प्रेमचंद, कलम का सिपाही पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया 1963 ईस्वी में। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में से लेखक और उनकी कृत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित करना आरंभ हुआ? 1955 से, 1975 से, 1945 से या फिर 1965 से? तो ये पूछा गया किस वर्ष से लेखक और उनकी कृत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ हुआ, मतलब कब से सम्मानित किया गया, देखो 1955 से शुरुआत हुई है, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा 1955। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, अज्ञे, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या फिर नागार्जुन? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार इसमें से सुमित्रा नंदन पंत को मिला है, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा, सुमित्रा नंदन पंत। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, देव पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो कितनी नावों में कितनी बार इसको, इस रचना को मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा, ये अज्ञेय की रचना है, उनका पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, 1978 ईस्वी में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार इस रचना पर मिला है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। साकेत महाकाव्य पर मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ है, सार्क लिटरेरी अवार्ड, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार या फिर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार? तो साकेत महाकाव्य पर मैथिली शरण गुप्त को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ है। साकेत पे इसमें 1931 ईस्वी में, यह कितने सर्गों में है ये भी ध्यान रखिएगा, कब हिंदी में पूछ देता है, 12 सर्गों का ये महाकाव्य है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ज्ञानपीठ के शेखर शेख सरिया पुरस्कार, द्विवेदी पदक पुरस्कार या फिर भारत भारती? महादेवी वर्मा को नीरजा रचना के लिए उनको पुरस्कार शेख सरिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इस रचना को, नीरजा रचना को, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा, कब पुरस्कृत हुआ है, तो यह 1934 ईस्वी में पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है, आलोक पर्व किस, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, भीष्म साहनी की, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर शिव मंगल सिंह सुमन? यह किसकी रचना है ये आपको बताना है, तो ये रचना है इनकी
हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोक पर्व, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा, आलोक पर्व। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यत किस लेखक की रचना है? कुंवर नारायण, रामदरस मिश्र, नरेंद्र कोहली या फिर नरेश मेहता। तो ना भूतो ना भविष्यत यह किस लेखक की रचना, इस पर व्यास पुरस्कार मिला है, तो यह नरेंद्र कोहली की रचना। किसकी रचना है? नरेंद्र कोहली की, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा, जिसका ये उपन्यास विधा की रचना है, 2012 में इसको व्यास सम्मान मिला है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है? यारों के यार, एक लड़की, कलिकत वाया बाईपास या फिर कितना बड़ा झूठ। तो अलका सरावगी की कौन सी रचना है जिसपे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो उनकी रचना है कलिकथा वाया बाईपास, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। अलका सरावगी का जो सन 2001 में कलिकथा वाया बाईपास उपन्यास विधा की रचना है, इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन .. आयोजित किया गया था, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? यानी प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन कब और कहां किया गया है? यह आपका है 1955 में दिल्ली में, 1945 उदयपुर में, 1910 में वाराणसी में या फिर 1975 नागपुर में। यह प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन इनका हुआ है 1975 में, और कहां हुआ है? नागपुर में आयोजित किया गया था, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा, 1975 नागपुर। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, सन 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र साह के उपन्यास का नाम क्या है? यानी 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार रमेश चंद्र साह के उपन्यास का नाम क्या है? आपकी हंसी, रेहन पर रघु, विनायक या फिर मिलजुल मन। तो ये रमेश चंद साह का उपन्यास जो है विनायक है, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा, इस पे 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, विनायक, विनायक। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सरस्वती पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार या फिर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। तो मुक्तिबोध रचना के लिए जैनेन्द्र कुमार को, ये उपन्यास विधा की रचना है मुक्तिबोध, इनको 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा, 1966 में। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? चित्रा मुदगल को, असगर वजाहत को, इंदिरा डोंगी को या फिर मनोज कुमार पांडे को। 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से सम्मानित किया इंदिरा डोंगी को, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही है, इंदिरा डोंगी। एक कहानी विधा के पुरस्कार इस पर किस रचना पर, सुक्रिया इमरान साहब के लिए दिया गया है पुरस्कार इंदिरा डोंगी को। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सन 2001 में कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतरराष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन में दिया गया? सात समंदर पार, डायन, जंगल जहां शुरू होता है, ऑपरेशन जोना की। तो किस कृत पर इंदु शर्मा अंतरराष्ट्रीय कथा सम्मान इनको मिला है संजीव जी को? यह इनका, इनकी रचना जंगल जहां शुरू होता है, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा, जंगल जहां शुरू होता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? रामदरस मिश्र, रमेश कुंतल मेघ, रमेश चंद्र साह या फिर मृदुला गर्ग। तो 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार ये मिला है इनको रमेश कुंतल मेघ को,
यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। उनकी रचना कौन सी है? तो इनकी रचना विश्वमिथक सरित सागर रचना के लिए प्रदान की गई है। इनका ग्रंथ है, इस रचना पर इनको यह साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 का दिया गया है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देव पुरस्कार, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार या फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो मृदुला गर्ग को मिलजुल मन के लिए इनको पुरस्कार मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही है। मिलजुल मन है 2013 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनका, यह उपन्यास विधा की रचना है मिलजुल मन, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? हिमतरंगिणी, समर्पण, युगचरण या फिर माता? तो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है हिमतरंगिणी, इस पे 1955 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी को कौन सी रचना हिमतरंगिणी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। तो चलिए आप लोग सुनिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।